हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉकबस्टर ट्यूब। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं वह एक बेहद पॉपुलर मूवी फ्रैंकस्टीन के तर्ज पर बनी है। दोस्तों, इस मूवी का नाम डिप्रेव्ड है, जो कि सितंबर 2019 में रिलीज हुई थी, जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 5.3 आउट ऑफ 10 है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी के शुरुआत में एक मैरिड कपल को दिखाया गया है, जो कि अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, जिनके नाम एलेक्स और लूसी है। उन दोनों के बीच अपने फ्यूचर रिलेशनशिप के बारे में आर्ग्यूमेंट होती है, जिसमें एलेक्स लूसी से अग्री नहीं करता। और आज एलेक्स का बर्थडे भी होता है, जहां लूसी उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है और वह वहां से चला जाता है। अभी वह कुछ दूर ही पहुंचा होता है, तभी अचानक से एक नकाबपोश आदमी उस पर चाकू से कई बार वार करता है और वह वहीं गिर जाता है। अगले सीन में एक लैबोरेटरी दिखाई गई है, जहां एक आदमी स्ट्रेचर से उठता है। उसके पूरे शरीर में ऑपरेशन के घाव व सिलाई के निशान होते हैं। वह खुद को मिरर में देखता है, तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम हेनरी है। वह बहुत सरप्राइज होता है और कहता है, तुम जिंदा हो गए। और स्ट्रेचर पर बैठे आदमी को एडम के नाम से बुलाता है और उसे कुछ बोलने को कहता है। दरअसल यह एलेक्स होता है, जिसका मर्डर किया गया था। हेनरी ने अपने दोस्त पॉलिडोरी की मदद से उसका दिमाग दूसरे शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया था। उसका फ्रेशली ट्रांसप्लांटेड ब्रेन कुछ समझ नहीं पाता और वह बहुत कंफ्यूज रहता है। अब अगले दिन हेनरी एडम का चेकअप करता है। वह उसे अलग अलग तरह की मेडिसिन भी देता है। उसके सारे ऑर्गन ठीक से काम कर रहे होते हैं। मेडिकेशन की मदद से एडम बहुत जल्द रिकवरी कर रहा है। अगले कुछ दिनों तक हेनरी एडम की स्किल और इंटेलिजेंस को पजल के जरिए टेस्ट करता है। शुरुआत में एडम आसान पजल्स को भी सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वह पिंग पोंग खेलना, आईपैड चलाना और बुक्स रीड भी करने लगता है। हेनरी उसे बाहरी दुनिया से अलग रखना चाहता था। वह एडम से कहता है कि तुम यहाँ सेफ हो, और उसे बाहर जाने से मना करता है। अब एडम को सपने में अपने पास की थोड़ी सी झलक दिखती है, जिससे वह उठ जाता है। वह बहुत कंफ्यूज होता है। अब वह लेबोरेटरी में जाता है। जैसे ही वह फ्रिज का डोर खोलता है तो उसे फ्रिज में कटा हुआ हाथ दिखता है। तभी हेनरी वहां पहुंच जाता है। हेनरी एडम को कुछ मेडिसिन खाने को देता है और कहता है कि उसको रात के समय ऐसे जागना नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए रात की नींद बहुत जरूरी है। आगे के सीन में हेनरी को फोन में बात करते दिखाया गया है, जहां वह कहता है कि ब्रेन पूरी तरह एक्टिव नहीं है, लेकिन बॉडी रिकवर हो रही है। मैं पूरी सतर्कता से उसका ध्यान रख रहा हूं। उसकी बातें एडम सुन रहा होता है। हेनरी एडम को कहता है कि फोन में पॉलिडोरी था और वह बहुत उत्सुक है उससे मिलने के लिए। जब हेनरी एडम के घावों पर की गई सिलाई को काट रहा होता है, तब एडम उससे पूछता है कि मैं अपने अतीत के बारे में क्यों याद नहीं कर पा रहा हूँ। हेनरी उसे रिप्लाई में कहता है कि तुम्हें एक सीरियस ट्रॉमा हुआ था। वह उसे झूठ कहता है। दरअसल एडम उसका सीक्रेट एक्सपेरिमेंट होता है, जो उसकी मेडिकेशन की मदद से अब सक्सेसफुल हो गया है। अब अगले सीन में जब हेनरी लेबोरेटरी में नहीं होता, तभी लिज वहां पहुंच जाती है। लिज हेनरी की एक्स गर्लफ्रेंड होती है। वह पेशे से एक थेरेपिस्ट है। वह एडम को देखकर थोड़ी कंफ्यूज होती है। अब वह एडम से उसके बारे में पूछती है, लेकिन एडम कुछ नहीं बोलता। तभी वहां हेनरी भी पहुंच जाता है और एडम को अपने रूम में जाने को कहता है। हेनरी लिज को अब एडम के बारे में बताता है। एक्चुअली हेनरी, लिज और पॉलिडोरी अपने समय के कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं। बाद में हेनरी यूएस आर्मी ज्वाइन कर लेता है और वह आर्मी में ट्रॉमा सर्जन होता है। इस दौरान वॉर में अपने एक साथी के मौत के बाद वह सीक्रेटली रिविविकेशन रिसर्च से जुड़ जाता है। यह एक ऐसी रिसर्च होती है जिसमें मरे हुए बॉडीज के पार्ट्स को ट्रांसप्लांट कर उसे नई जिंदगी दी जाती है। इस रिसर्च में उसका दोस्त पॉलिडोरी भी उसका साथ देता है। पॉलिडोरी जॉर्जिना से शादी करने के बाद एक अमीर आदमी बन जाता है। वह ड्रग बिजनेस में होता है और वह सीक्रेटली हेनरी द्वारा शुरू की गई रिसर्च में उसका साथ देता है। वह एडम को जिंदा कर अपनी दवाइयों को बेचकर मेडिकेशन इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता था। अब दूसरे सीन में एडम को बहुत सॉफ्ट स्पोकन और जेंटल बच्चे की तरह दिखाया गया है। उसका अकेलापन और उसके अतीत की कुछ मेमोरी उसके दिमाग में आती रहती हैं। लेकिन लिज यह सब देखकर हेनरी का विरोध करती है। वह एडम को ट्रीट करने के तरीके का विरोध करती है।
अब हम आगे के सीन में हेनरी को पॉलिडोरी और उसके वाइफ जॉर्जिना के साथ एक मीटिंग करते देखते हैं, जहां लिज भी होती है। पॉलिडोरी कहता है, तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुमने मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया है, और जब यह दवाइयां मार्केट में पहुंचेंगी तो बहुत लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं, और मेरी सिंटेक्स कंपनी के स्टॉक होल्डर बहुत खुश होंगे। पॉलिडोरी कहता है कि बहुत से लोग हमारे क्रिएशन से मिलने के लिए उत्सुक हैं। एडम पीछे से यह सब सुन रहा है और अब वह भी वहां आ जाता है। तभी हेनरी उसे उसके रूम में ले जाकर उसे सोने के लिए कहता है। हेनरी और एडम के बीच इतने दिनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। वह उसे और मेडिकेशन नहीं देना चाहता है, लेकिन पॉलिडोरी हेनरी को फोर्स करता है। वह अपने इस सक्सेसफुल इनोवेशन को दुनिया के सामने लाकर अपनी दवाइयों को जल्द ही मार्केट में उतारना चाहता था। अब पॉलिडोरी अगले दिन एडम को बाहरी दुनिया दिखाने ले जाता है। एडम पहली बार उस लेबोरेटरी से बाहर आया है। हेनरी पॉलिडोरी को शाम 6 बजे से पहले वापस आ जाने को कहता है। पॉलिडोरी एडम की भावनाएं जागृत करना चाहता था, इसलिए वह उसे एक दिन की ट्रिप पर बाहर ले जाता है, जो म्यूजियम से शुरू होकर स्ट्रिप क्लब में खत्म होती है, जहां एडम बहुत कुछ एक्सपीरियंस करता है। म्यूजियम में स्टैचू पेंटिंग्स और स्ट्रिप क्लब में डांसर, ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। रास्ते में पॉलिडोरी एडम को रेगुलर मेडिकेशन लेने का प्रॉमिस करने को भी कहता है, और हेनरी के बारे में भी उसे कुछ गलत बोलता है। वह उसे कहता है कि हेनरी ने कभी भी मेडिकेशन देनी बंद की तो तुम रोज 3 रेड पिल्स जरूर लेना, इससे तुम कभी नहीं रुकोगे। जाते वक्त दोनों ड्रग्स भी लेते हैं। एडम को नशे में देख हेनरी उसे दोबारा ऐसा नहीं करने के लिए कहता है। अगले दिन हेनरी एडम का चेकअप करता है और उसे मेडिसिन भी नहीं देता। एडम के मेडिकेशन मांगे जाने पर हेनरी कहता है कि तुम अब ठीक हो गए हो, मैं किसी भी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हेनरी वहां नहीं होता तो एडम चुपके से मेडिकेशन चुरा लेता है, क्योंकि पॉलिडोरी को उसने मेडिकेशन लेते रहने का प्रॉमिस किया था। अब रात को वह आईपैड को टीवी से कनेक्ट करके कुछ क्लिप्स देख रहा है। तभी उसे सर्जरी की क्लिप्स भी दिखती हैं, जिसमें वह खुद को देखकर परेशान हो जाता है। क्लिप्स देखकर उसे पता चलता है कि जब उसे यहाँ लाया गया था तो उसकी आईडी, पर्स और नेकलेस टेबल के ड्रॉअर में रखे थे। वह अपनी आईडी देखता है, जिसमें उसका नाम एलेक्स है, और उसे अपना फोन भी मिलता है। अब वह लूसी को फोन लगाता है। लूसी एलेक्स बोलकर रो रही होती है, पर वह रिप्लाई में कुछ नहीं बोलता और गुस्से से वहां से चला जाता है। अब वह हेनरी और पॉलिडोरी के पास पहुंचता है, जो कि अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। एडम हेनरी को धक्का देकर गिरा देता है और उसे बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, और वहां से बाहर निकल कर कहीं छुप जाता है। हेनरी और पॉलिडोरी उसको ढूंढते हुए बाहर आते हैं। यह सब देखकर उसके क्लाइंट्स वहां से चले जाते हैं। पॉलिडोरी कहता है, बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है, मैं यह डील ऐसे नहीं जाने दूंगा, सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। हेनरी उसे कहता है, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हम उसे ढूंढ लेंगे। दरअसल वह चाइनीज क्लाइंट से अपने क्रिएशन एडम और उसको जिंदा रखने वाली मेडिसिन की डील कर रहे थे, और एडम्स छुपकर यह सब सुन रहा था। अब एडम हेनरी का पीछा करता है। हेनरी परेशान लग रहा है, वह क्लब में जाकर ड्रिंक्स पी रहा होता है। जब वह क्लब से बाहर निकलता है तो एडम उसी क्लब में जाकर ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, जहां उसे एक लड़की जेली मिलती है, जो उसके साथ ड्रिंक शेयर करती है। वह एडम से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हारी बॉडी में बहुत से घाव हैं। लेकिन इसके रिप्लाई में एडम कहता है, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है और ग्रेविटी हमारी दोस्त है। एक्चुअली यह बातें हेनरी ने उसे सिखाई होती है, वह वही बोलता है जितना हेनरी से सीख पाया है। वह लड़की यह सुनकर कुछ समझ नहीं पाती। जब जेली ड्रिंक्स लेने के लिए जाती है, एडम टेबल में रखी हुई पजल्स को सॉल्व करने लगता है। जेली यह देखकर उसे बोलती है, तुम बहुत अजीब हो। अब जेली एडम को उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए कहती है। एडम जेली को आई लाइक यू बोलता है, वह उसे पसंद करने लगता है। कुछ दूर जाने पर जेली का घर आ जाता है, वह जाना चाहती है, लेकिन एडम उसे पिंग पोंग खेलने के लिए अपने साथ चलने को कहता है। अब वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, वह उसका मुंह दबाकर उसे खींच कर ले जाता है, लेकिन सांस रुकने की वजह से वह मर चुकी है। अब एडम उसे पकड़कर रोड साइड में बैठा है। तभी हेनरी वहां पहुंच जाता है और बोलता है, तुमने क्या किया। दोनों उसे लेबोरेटरी में लेकर जाते हैं।
जहां हेनरी उस लड़की को चेक करने के बाद बोलता है कि यह तो मर चुकी है, लेकिन एडम उसे मेडिसिन देकर जिंदा करने की जिद करने लगता है। हेनरी उसे कहता है कि इसे मरे हुए एक घंटे से ज्यादा हो गया है, मेडिसिन इस पर असर नहीं करेगी, पर एडम उसकी बात नहीं मानता और उसे कहता है कि तुमने जिस तरीके से मुझे जिंदा करा है उसी तरीके से इसे भी जिंदा करो। एडम बहुत अग्रेसिव हो जाता है। यह देखकर हेनरी उसकी गले में एक इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देता है और कहता है तुम सिस्टम में नहीं हो, तुम रियल नहीं हो, अब सब खत्म हो गया है, मुझे माफ़ करो। और एडम वहीं गिर जाता है। उसी वक्त लिज भी वहां पहुंच जाती है। अब दोनों मिलकर एडम और जेली की लाशों को रैप करते हैं। हेनरी अपने लैब में रखे ह्यूमन पार्ट्स और मेडिसिन को भी रैप करके अपनी गाड़ी के ट्रक में डालकर दूर एक गड्ढे में दफना देता है। अब अगले सीन में पॉलिडोरी को अपने फैमिली मेंबर के साथ डिनर करते दिखाया जाता है। अब हेनरी और लिज भी वहां पहुंच चुके हैं, जहां पॉलिडोरी की वाइफ जॉर्जिना उन्हें अपने पेरेंट्स से मिलाती है। पॉलिडोरी हेनरी से अकेले में एडम के बारे में पूछता है, लेकिन हेनरी उसे बोलता है कि एडम हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, वो अभी भी मिसिंग है। जॉर्जिना के पेरेंट्स उनसे मिलने के लिए आए होते हैं। कुछ देर के बाद उसके पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं। अब लिज चुपके से पॉलिडोरी के रूम में उसका लैपटॉप चुरा लेती है। दरअसल उसमें उनके रिसर्च के सारे डॉक्यूमेंट्स और मेडिसिन की डिटेल्स होती हैं, जिसकी मदद से एडम को जिंदा किया गया था। लेकिन उसी वक्त जॉर्जिना भी वहां पहुंच जाती है। वह उसे कहती है कि मेरे हस्बैंड पॉलिडोरी ने इस रिसर्च में अपना बहुत पैसा दांव पर लगाया है, तुम इस सब के बीच में मत पड़ो, यह सब उसका है और हेनरी को भी आगे चलकर इससे प्रॉफिट होगा। पॉलिडोरी इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाकर लोगों को फिर से जिंदा कर पैसा बनाना चाहता था, लेकिन लिज एडम के दुख और बाद में मौत के बाद यह सब यहीं खत्म कर देना चाहती थी। अब वह लैपटॉप पटक कर तोड़ देती है। तभी पॉलिडोरी और हेनरी भी वहां पहुंच जाते हैं। पॉलिडोरी उसे कहता है तुम पागल हो गई हो, तुमने यह क्या किया। अब हेनरी बोलता है सब खत्म हो चुका है, हमने एडम को मार दिया है, क्योंकि वह बहुत ही हिंसक हो चुका था, उसने एक लड़की को भी मार दिया था, हमने उसे दफना दिया है और कोई सबूत भी नहीं छोड़े, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। वह उन सबको कहता है कि यह सब एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। अब लिज हेनरी को वापस जाने को कहती है, लेकिन बहुत रात हो जाने के कारण दोनों वहीं रुक जाते हैं। अब आगे के सीन में पॉलिडोरी को पूल खेलते दिखाया जाता है। वह हेनरी से कहता है अगली बार हम यह सब लीगल तरीके से करेंगे, मैं तुम्हें ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स और ब्रेन दूंगा और इस बार हम अपने क्रिएशन के इमोशन पार्ट पर भी काम करेंगे। तुम बहुत ब्रिलियंट डॉक्टर हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने तुम्हें ह्यूमन बॉडी और फ्रेश ब्रेन भी दिया। दरअसल पॉलिडोरी ने ही एलेक्स का मर्डर किया था जिससे वह उसका फ्रेश ब्रेन यूज कर सके। अब हेनरी की आंख लग जाती है। अब हम आगे के सीन में देखते हैं कि एक कब्र से एक हाथ बाहर निकलता है। एडम कब्र से बाहर निकल गया है और अब वह पॉलिडोरी के घर जाकर अपना बदला लेने पहुंच चुका है। सबसे पहले वह लिज के रूम में जाकर उसका रेप करता है। आवाजें सुनकर हेनरी नींद से जाग जाता है और लिज के रूम में एडम को देखता है। उसने लिज को पकड़ रखा है। हेनरी एडम से लिज को छोड़ने के लिए कहता है और कहता है लिज तुम्हारी फ्रेंड है, इसे छोड़ दो। लेकिन एडम लिज की गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। अब वह हेनरी पर हमला करता है। एडम हेनरी की तरफ बढ़ता है। हेनरी उसे कहता है यह सब पॉलिडोरी ने किया है, आज जो तुम हो यह सब उसी का किया है, उसने ही तुम्हारा मर्डर किया था। पॉलिडोरी भी आवाजें सुनकर उठ जाता है और ड्रॉयर से गन भी निकाल लेता है। वह लिज को मरा देखकर हेनरी पर शक करता है। तभी अचानक पीछे जॉर्जिना को देखकर उसकी गन का ट्रिगर चल जाता है। अब वह भी मर चुकी है। अब वह हेनरी को ढूंढता है। वह सीढ़ियों से नीचे जाकर गन को जेब में रखकर क्रॉस बो उठा लेता है। तभी दरवाजे से उसे हेनरी दिखाई देता है। हेनरी उसकी तरफ बढ़ता है। पॉलिडोरी उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और कहता है नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। पॉलिडोरी के ठीक पीछे एडम होता है। तभी वह अचानक से एडम पर क्रॉसबो चला देता है। उसी वक्त हेनरी पॉलिडोरी पर हमला कर देता है। पॉलिडोरी भी अपने जेब से गन निकालकर हेनरी को शूट कर देता है। एडम यह सब देखकर हेनरी के पास जाता है। उसके इमोशन भी पूरी तरह से डेवलप हो गए हैं। वह हेनरी से उसे अकेले छोड़कर नहीं जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी हेनरी भी दम तोड़ देता है। अब पॉलिडोरी वहां से भाग रहा होता है।
एडम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। पॉलिडोरियो से कहता है कि हमने तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, तुम गलत साइंटिस्ट द्वारा बनाए गए एक क्रेजी क्रिएशन हो और तुम्हारे कारण सब मारे गए हैं। और अब वह घर में आग जलाकर एडम पर शूट कर देता है जिससे एडम गिर जाता है और पॉलिडोरियो वहां से बाहर निकलकर कार में बैठ जाता है। लेकिन तभी एडम उसे पकड़ लेता है और उसे उठाकर नीचे फेंक देता है। अगले सीन में उसे पुलिस से भागते हुए दिखाया गया है, वह नदी में कूदकर खुद को बचाता है। अब एडम में लव, केयर, इमोशन सब डेवलप हो गए हैं। उसे धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी भी याद आ चुकी है। अब हम आगे के सीन में लूसी को देखते हैं जो एलेक्स की वाइफ होती है। उसे एक आदमी लेटर देता है जिसमें वही नेकलेस होता है जो उसने एलेक्स को बर्थडे गिफ्ट में दी थी। वह यह देखकर बहुत खुश होती है। वह आदमी उसे कहता है वह बाहर खड़ा है। लूसी बाहर जाकर उसे ढूंढती है लेकिन वह एलेक्स को नहीं देखकर फिर से दुखी हो जाती है। एडम जो पहले एलेक्स होता है, लूसी उसे नहीं पहचान पाती। यह सब देखकर एडम भी वहां से चला जाता है और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।